बढ़ गई हैं। फर्जी पते पर हथियार लाइसेंस लेने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अक्षय को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने 15 मार्च को करीबी है अक्षय प्रताप सिंह और भोपाल जी और जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक है उसके प्रत्याशी के तौर पर भी उनके पर्चे भी बैठ पाए गए थे। अब उस पर भी संकट खड़ा हो सकता है। इस दौरान निर्णय आया है जहां नगर कोतवाली इलाके से साल 1997 में फर्जी शस्त्र लाइसेंस लेने का मामला आया था, जहां अक्षय प्रताप ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस लिया था। उसमें तत्कालीन कोतवाल डीपी शुक्ला ने रिपोर्ट लगाई थी और उसी मामले में दोषी करार दिया गया था। उनको सजा सुनाई जानी थी, कल ही सजा का ऐलान होना था, लेकिन कल उनको न्यायिक कस्टडी में लेकर उनको जेल भेजा गया था। आज सजा का ऐलान हुआ और आज उनको 7 साल की सजा के साथ ही उनको 10,000 की जुर्माना राशि भी सजा के तौर पर सुनाई गई है। अब इससे कुल मिलाकर देखा जाए तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो एमएलसी पद के दावेदार थे अक्षय प्रताप, उनकी नामांकन पर भी संकट खड़ा हो सकता है। अब राजा भैया के जनसत्ता दल पार्टी के मुख्य कर्णधार भी थे अक्षय प्रताप गोपाल जी, और खास करके एमएलसी के चुनाव के वक्त ये सीन जो आई सामने, इससे राजा भैया को भी झटका लगा। तो साफ तौर पर देखा जाए कि राजा भैया को भी झटका लगा, और जिस तरह से सामने आ रहा है कि कोर्ट ने 15 मार्च को ही अक्षय को दोषी करार दे दिया था। देखिए बिल्कुल अक्षय प्रताप और अक्षय प्रताप को 15 मार्च को ही दोषी करार दिया गया था। उनके ऊपर आरोप था कि फर्जी पते पर उन्होंने नगर कोतवाली इलाके से शस्त्र लाइसेंस लिया था। साल 1997 का ये मैटर था जिसमें सुनवाई चल रही थी, और अचानक इस तरह से जो चीजें एमएलसी चुनाव के वक्त हुई, इससे सियासी सरगर्मी भी बढ़ी है। और वही अब तमाम बातें भी सामने आ रही, क्या राजा भैया एमएलसी चुनाव में जो दबदबा रहता था उनका प्रतापगढ़ में हमेशा, उनके अक्षय प्रताप खुद ही एमएलसी थे, निवर्तमान एमएलसी थे, समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे और इस बार जनसत्ता दल के उम्मीदवार थे। जनसत्ता दल को आशा थी कि एक सीट उसकी प्रतापगढ़ में निकलनी है, अब उस पर भी संकट लगता जा रहा है। शिवमोहन, ऐसे में देखा जाए जैसे ही यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार आई है तो उसके बाद से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। देखिए इसका चूंकि ये कोर्ट के मैटर है, इसमें राजनीतिक मामले निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीतिक रूप से भी संकट खड़ा हुआ है, सच है। लेकिन कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है 7 साल की और उनको 10,000 रुपए का अर्थदंड भी सुनाया है। अब उनको जेल जाना होगा, उसके बाद उनको शिवमोहन, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।